नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज किया जाता है। गाइज, अक्सर आप अपने मोबाइल फोन से या कैमरा से जब फोटो लेते हैं और अगर बैकग्राउंड खराब आ जाता है, तो ऐसे में आप चाहते हैं कि आप उस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन या कोई बैकग्राउंड आपको बहुत ज्यादा पसंद है और चाहते हैं कि मैं अपने इस किसी फोटो में लगाऊं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के भीतर में चेंज कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे किसी फोटो का इमेज का बैकग्राउंड चेंज किया जाता है, तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। गाइज, सबसे पहले यहाँ आपको प्ले स्टोर पे जाना होता है। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च करना है टेली पोर्ट, ये कीवर्ड सर्च करना है। टेलीपोर्ट कीवर्ड जब आप सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक एप्लीकेशन आता है, टेलीपोर्ट फोटो एडिटर। ठीक है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करके अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना होता है। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे टेलीपोर्ट फोटो एडिटर इंस्टॉल हो चुका है फोन के अंदर। तो अब यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है, टच करना होता है। जैसे ही ओपन पे टच करेंगे, तो यहाँ पे अलाउ करने के लिए मांगेगा पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, तो यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ टेलीपोर्ट टू एक्सेस फोटोज मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस, तो इसको भी अलाउ करना है। जब आप इसे अलाउ कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको गैलरी पे टच करना है। ठीक है, गैलरी पे टच करने के बाद क्या करना है, आपको जो भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सपोज मुझे इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ओके पे टच करना है। ठीक है, जब आप सॉरी ओके पे टच करेंगे, तो ओके पे टच करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इमेज लोड हो गया। और यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे जैसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेयर कलर का ऑप्शन है, आप अपने बालों का कलर चेंज कर सकते हैं। जो जो भी फोटो आप सेलेक्ट करते हैं उसमें आप अपने हेयर कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब रहा बात, हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड की, कि बैकग्राउंड चेंज करने की, तो यहाँ बैकग्राउंड वाले पे जब आप टच करेंगे, तो यहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे और आप उसके अपने मन चाहा बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये डिफरेंट बैकग्राउंड है और आप अपने इमेज को मूव कर सकते हैं, सर्च करके आप जहां चाहेंगे वहां सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो सपोज मुझे ये बनाना है, बैकग्राउंड में ये रखना है, तो मैं ये रख सकता हूँ। ठीक है, तो आप जो भी चाहते हैं वो सिलेक्ट करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे बैकग्राउंड मिल जाते हैं, जो मन चाहा बैकग्राउंड जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी बैकग्राउंड जो आप चाहते हैं वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, बस उस पर आपको टच करना होता है। टच करने के बाद आप यहाँ से जैसे देख सकते हैं, ये एरो का आइकन है, एरो टाइप का आइकन बना होता है। इस पर जैसे ही टच करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं ये फेसबुक का आइकन है, जस्ट उसके नीचे डाउनलोड का आइकन है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं कि डाउनलोड हो चुका है और ये गैलरी में सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सेव का मैसेज दिख गया, तो ये फोटो गैलरी में सेव हो जाता है फोन के। और यहाँ पे बहुत सारे और भी कलर ऑप्शंस होते हैं, और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड है, स्क्रीन कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे साथ ही ऑप्शन मिलता है कस्टम बैकग्राउंड का। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना खुद का कोई बैकग्राउंड इमेज सेट करूँ, तो आपको कस्टम बैकग्राउंड पे टच करना होता है। उसके बाद सेट कस्टम बैकग्राउंड, इस पे टच करना है। जब आप इस पे टच करेंगे, देख सकते हैं गैलरी के अंदर कि ये फोटो बन के डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मुझे कोई बैकग्राउंड सेट करना है, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज मुझे ये बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से इसे चूज कर लिया। चूज करने के बाद ओके पे टच करना है। देख सकते हैं कि कस्टम बैकग्राउंड सेट हो गया इमेज के लिए। अब यहाँ से डाउनलोड पे फिर टच करेंगे, तो सेव हो जाएगा गैलरी में। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आप अपने किसी भी फोटो का बैकग्राउंड 1 सेकंड के अंदर में चेंज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं बैकग्राउंड ब्लर करूँ, तो आप अपने इमेज का बैकग्राउंड भी ब्लर कर सकते हैं।
तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने सीखा होगा कि कैसे किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज किया जाता है या कैसे किसी फोटो का बैकग्राउंड ब्लर किया जाता है। साथ ही आपने ये भी इस वीडियो में सीखा होगा कि किसी भी फोटो में कस्टम बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की जानकारी लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।